कराची का मौसम अच्छा है तो सब पकौड़े बनाते हैं हम, तो चलो आज बनाते हैं टिक्का और आपको दिखाते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो देखनी है तो पूरा वीडियो देखनी होगी, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा आज हमने किया क्या। सुबह उठा और देखा भाई मौसम तो बहुत सुहाना हो रहा था, तो इस चक्कर में हमने बनाया आज टिक्का घर के अंदर। हमको पता था कि कल बारिश होने वाली है, इसलिए हमने पहले से टिक्के को मैरिनेट करके रख दिया था, उसमें मसाले फुल अच्छी तरह लोडेड करके उसको हमने बना कर रख दिया था। लेकिन बारिश मुस्तकिल होती रही, मैं थोड़ी सी वीडियो बनाता था, बारिश के साथ टिक्को का मज़ा ही अलग है। जितनी देर कोयले जलते रहे उतनी देर मैंने अपनी तैयारी करी। मुर्गी को सीखों में भरा, अच्छी तरह उसको फुल लोडेड किया हुआ था हमने, इसको सीखों में भरा और फुल तैयारी करी। तैयार होने के बाद हमने इसको फुल धड़कते भड़कते अंगारों पर रख दिया उसको फुल सेकने के लिए। जैसे कि आप देख रहे हो कैसे हो रहे मसालों में लिपटे हुए, अच्छी तरह हमने इनको लिपटा दिया। फिर हमने इसकी बारी आई पलटने की। पलटने की बारी जब आई तो मैं भाई आंसुओं से रो रहा था, क्योंकि मुझे धुआं आंखों में चुभ रहा था, बहुत मुश्किल हो रही मुझे पकाने में, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुई। लेकिन मुश्किल के बाद ही आसानी है, लेकिन जब वो पक रहे तो वहाँ मेरी जान, खुशबू से उसके मुझे घर महक गया था, मेरा बहुत ही घर महक गया था। जैसे ही तैयार हो उसको हमने वैसे ही उसको हमने पतीले में उतारा और उसको फुल तरीके से उसको हमने उतार के बिल्कुल एक पतीले में डाल दिया, ताकि इसको हमने सारी इकट्ठी कर लें एक साथ, और फिर हम इसकी थोड़ी सी वीडियो बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कि भाई टेस्ट में कैसा। तो इसके साथ हमने बनाई थी थोड़ी सी ग्रीन चटनी, वो भी दही के साथ मिक्स करके, जैसे कि आप देख रहे हो किस तरह मैंने बनाया होता है ये। बहुत ही इसकी मैंने गार्निशिंग करी थी अच्छी तरह, ताकि क्योंकि बारिश का मौसम है और बारिश में अगर हम पकौड़े ही खाएंगे तो फिर फ़ायदा है क्या। टिक्के की शक्ल ही बताती है कि वो हो कैसा रहा है, कैसा लिपटा हुआ फुल मसालों में लोडेड, जो कि हमने खुद अपनी इतनी मेहनत से बनाया, आंसुओं से बनाया, धुआं सह सह के हमने बड़ी मुश्किलों से इस टिक्के को बनाया, और ये जैसे कि आप देख रहे हो कि फुल ही लोडेड तैयार हुआ है। बस अब इसको जो बारी थी वो बारी थी सिर्फ टेस्ट करने की। अब जब बारी आ गई थी टेस्ट करने की, तो हमने थोड़े से शशके दिखाया, थोड़ी सी वीडियो बनाई, और फिर मैंने उठाया लेग पीस। लेग पीस उठाने के बाद इसमें से जो गार्निश मैंने रखी हुई थी वो गार्निश मैंने उसको हटाई, और जब मैंने लेग पीस को अच्छी तरह डुबोया है इसको चटनी के अंदर, तो वाह मेरी जान फुल इसको लोडेड करके, और जब मैंने इसकी फर्स्ट बाइट बनाई है तो वाह मेरी जान मज़ा आ गया। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद है तो क्या करना होगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।